आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात देर शाम लखनऊ हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में संपन्न हुई मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी की बैठक। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। कहा, 2022 में दोबारा बनेगी प्रदेश में भाजपा सरकार। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, 31 अक्टूबर को चंपा देवी पार्क में आयोजित राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली होगी ऐतिहासिक, लाखों की संख्या में लोग होंगे शामिल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों के निस्तारण के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे और पार्टी के जोनल प्रवक्ता सुरहिता करीम मीडिया से हुए रूबरू। कहा, 31 अक्टूबर को प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी, लोगों को रैली में पहुंचने की अपील। और शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 193 केंद्रों पर 14,416 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,824 और सेकेंड डोज लेने वालों में 10,592 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका, जीत का।